तो गाइस दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो कि एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो इस सारी चीज़ों को जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है दोस्तों। तो ब्यूरोक्रेसी आपने वर्ड कई बार सुना होगा, हिंदी में इसको नौकरशाही बोलते हैं और इसका सिंपल सा मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी बॉडी होती है जो कि सरकार के डे टू डे वर्क्स होते हैं, डे टू डे अफेयर्स होते हैं या डे टू डे बिजनेसेस होते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव काम को संभालने के लिए जो एक बॉडी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको हम लोग ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। और अलग अलग देशों में ब्यूरोक्रेसी के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। अगर हम इंडिया में बात करें तो मोस्टली जो सिविल सर्वेंट्स हैं दे आर द क्रूशियल एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन ब्यूरोक्रेसी। तो आप समझ गए होंगे कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है सरकार का, उन सभी को पूरा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, उस संगठन को हम लोग बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं मैक्स वेबर्स की थ्योरी की। मैक्स वेबर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है ब्यूरोक्रेसी के बारे में और अपनी इस थ्योरी के अंदर मैक्स वेबर्स ने 6 बेसिक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी के ऑर्गेनाइजेशन को, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। तो हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसका काम ही यही होता है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है सरकार का उसको पूरा करना। तो इसीलिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होती है और इसके जो लोग होते हैं पीपल आर पेड एंड होल टाइम एम्प्लॉयज़। इसमें जो लोग काम करते हैं उनको सैलरीज दी जाती है, उनके रैंक्स और पोजीशंस के हिसाब से उनको सैलरीज और इंसेंटिव्स फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और ये लोग फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंटली इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो बहुत यूनिक होता है। इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो उनके कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से होता है और जो उनकी क्वालिटीज़ होती है, जो उनकी एजुकेशन्स होती हैं, उन सबको एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के बाद बहुत मुश्किल से ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली बात क्या है, इसके जो मेंबर्स होते हैं इसके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास से बिलोंग करते हैं और वो हाईली क्वालिफाइड और एजुकेटेड होते हैं। इंडिया के अंदर यही प्रोसेस है, बहुत सारे देशों के अंदर ये जो मेंबर्स होते हैं कहीं पर नॉमिनेटेड भी होते हैं, कहीं पर अपॉइंटेड भी होते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ये लोग स्पेशली सेलेक्टेड किए जाते हैं एक एग्ज़ाम को पास करने के बाद। और इनका जो टेन्योर होता है वो अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया में सिविल सर्वेंट्स की जो रिटायरमेंट एज होती है वो मोस्टली 60 ईयर्स होती है। तो होता क्या है, जहाँ भी जिस भी देश की ब्यूरोक्रेसी होगी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से इनका टेन्योर फिक्स किया जाता है, जिसमें इनकी रिटायरमेंट एज फिक्स की जाती है। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास की तो यही सारी चीज़ें इसका फर्स्ट फीचर को दिखाती है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे प्रिंसिपल की। तो उसका दूसरा प्रिंसिपल है हायरार्किकल सिस्टम। तो हायरार्किकल सिस्टम को आप समझिए होता क्या है, इसका मतलब बॉटम से लेकर टॉप तक जो अलग अलग रैंक्स और पोजीशंस बांटी जाती हैं उसको हम हायरार्किकल सिस्टम बोलते हैं। और ये हायरार्की जो सिस्टम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर होता क्या है अलग अलग वेरियस पोजीशंस को और रैंक्स को बांटा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी संगठन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और अगर हम लोग ब्यूरोक्रेसिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये इसलिए भी है क्योंकि हायरार्की के थ्रू ही होता क्या है, कोई भी ऑफिस अनकंट्रोल्ड नहीं रह जाता। मतलब अगर हम बात करें पुलिस डिपार्टमेंट की भी तो उसके अंदर भी अलग अलग पुलिस स्टेशन के इंचार्जेस होते हैं, उसके ऊपर कोई ऑफिशियल्स होते हैं लाइक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उससे भी ऊपर ऑफिशियल्स होते हैं और अल्टीमेटली कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है किसी भी स्टेट का जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होता है। उसी तरीके से किसी भी संगठन के अंदर खास तौर पर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग रैंक्स और पोजीशंस को बांटा जाता है जिससे कि कोई भी एक ऑफिस, कोई भी एक काम अनकंट्रोल ना रह जाए और हर एक अथॉरिटी अपने से सुपीरियर अथॉरिटी की जवाबदेही हो। और इसका मतलब, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि जो हायरार्किकल सिस्टम है वो पूरी तरीके से करता क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटेबिलिटी तय करता है, मतलब किसी भी संगठन की जवाबदेही को तय करता है। दोस्तों बात करते हैं इसके तीसरे प्रिंसिपल की। तो मार्क्स वेबर्स का तीसरा प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क।
तो डिवीजन ऑफ वर्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का। बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क की, तो उसका मतलब क्या है कि किसी भी संगठन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम होता है उसको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन। जिस भी एम्प्लॉय की जो भी स्पेशलिटीज़ होती हैं उनके हिसाब से उनके डिपार्टमेंट्स को बांटा जाता है। अगर हम बात करें इंडियन ब्यूरोक्रेसी की तो उसके अंदर भी ऐसा होता है। जिस इंसान को लॉ एंड ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन की नॉलेज होती है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के अंदर डाला जाता है, किसी को पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर डाला जाता है, किसी को फाइनेंस की ज़्यादा नॉलेज है तो उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता है। इसी तरीके से किसी को रेवेन्यू की ज़्यादा नॉलेज है तो उसको IRS सिस्टम, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में काम करने का मौका मिलता है। तो इसको हम डिवीज़न ऑफ वर्क बोलते हैं, जहाँ पर क्या होता है स्पेशलिटी के हिसाब से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं या जो ऑफिसर्स होते हैं उनको उनकी स्पेशलिटी के हिसाब से काम को बांटा जाता है। और इसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये है, जब उनके काम को क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है तो इंडियन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर जो अलग अलग ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनके काम के बीच में कभी कोई डिस्प्यूट नहीं होता, और स्पेशली उनके पावर्स और फंक्शन को लेकर कभी भी ओवरलैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है ये तीसरा प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले इसके चौथे प्रिंसिपल के बारे में, तो उसका चौथा प्रिंसिपल है ऑफिशियल रूल्स। तो ऑफिशियल रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट हो या पब्लिक हो, तो उसकी सफलता के लिए ज़रूरी है कुछ ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाए जो उसके अंदर फॉर्मेलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो कोई भी स्ट्रक्चर हो, अगर हम बात करें इंडियन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की, तो ज़रूरी है उसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, जो भी इनकी रैंक्स होती हैं, वो सभी लोग कुछ उस ऑर्गेनाइजेशंस के बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही चलते हैं। चाहे वो किसी भी रैंक का अधिकारी ऑफिशियल क्यों ना हो, वो अपनी मर्जी से हिसाब काम नहीं कर सकता है, और उसको सारे एक्शंस, सारे कदम, सारे डिसीजंस रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से लेने पड़ेंगे। और ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, किसी भी संगठन के अंदर एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एक कंटिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर पंक्चुअलिटी लेकर आते हैं। तो ये ज़रूरी है किसी भी संगठन को यूनिफॉर्म बनाने के लिए और उसको फॉर्मल स्ट्रक्चर से काम कराने के लिए उसके अंदर कुछ नियम कानून, मतलब कुछ ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन से उसको चलाया जाए। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इसके पाँचवें प्रिंसिपल के बारे में। तो उसका पाँचवा प्रिंसिपल है इम्पर्सनल रिलेशनशिप। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट और नोटेबल फीचर है जो है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का। कैसे हम लोग बात करते हैं, देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी संगठन के अंदर पर्सनल रिलेशनशिप का कोई भी स्कोप नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी दो ऑफिशियल्स या दो से ज़्यादा ऑफिशियल्स के बीच में कोई भी रिलेशंस होते हैं, वो पूरी तरीके से अथॉरिटी के आधार पर, मतलब ऑफिशियल होने चाहिए, उसके अंदर कोई भी पर्सनल फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ऑफिशियल पोजिशंस आर फ्री फ्रॉम द पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, इमोशंस एंड सेंटीमेंट्स। मतलब जो पोजीशंस होती हैं किसी भी डिपार्टमेंट की, उसके अंदर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की, इमोशंस की और सेंटीमेंट्स की कोई भी जगह नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी फैसले सरकार के द्वारा या किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, दे आर गवर्न्ड बाय द रैशनल फैक्टर्स रैदर देन द पर्सनल फैक्टर्स। मतलब जितने भी फैसले होंगे वो सभी रैशनल और लॉजिकल अप्रोच के साथ, रैशनल और साइंटिफिक फैक्टर के हिसाब से फैसले लिए जाएंगे, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से फैसले लिए जाएंगे और पर्सनल फैक्टर को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर पुलिस डिपार्टमेंट का एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है किसी भी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर रहा है, और उसका कोई भी रिश्तेदार, कोई भी फैमिली मेम्बर उसी डिपार्टमेंट में काम करता है, तो भले वो उसका जूनियर है, काम कर रहा है, भले उसका फैमिली मेम्बर है, लेकिन उनके बीच में, काम के बीच में कोई भी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। चाहे उसकी प्रमोशन की बात हो, चाहे उसके डिमोशन की बात हो, या उसके ऊपर इंक्वायरी की बात हो, सारी चीज़ें ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से की जाएंगी और उनके बीच में पर्सनल रिलेशनशिप का कोई भी स्कोप दोस्तों नहीं होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके आखिरी फीचर की, आखिरी प्रिंसिपल की। तो वो आखिरी प्रिंसिपल है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें तो देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संगठन हो, चाहे वो छोटा सा स्कूल हो या फिर एक बहुत बड़ी MNC हो, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखा जाता है। तो जितने भी डिसीजंस होते हैं,
जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी संगठन के अंदर, दे आर फॉर्मली रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। तो उन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को संभाल के रखा जाता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर भविष्य में कोई भी अथॉरिटी सवाल उठाती है या कोई भी इंक्वायरी बैठती है तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बहुत काम आते हैं। और इसके अलावा इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की अपनी भी इम्पोर्टेंस होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ देखनी है या उसके अंदर स्कोप देखना है आपको उसको इम्प्रूवमेंट का, तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं वो किसी भी संगठन की अकाउंटेबिलिटी मतलब उसकी जवाबदेही तय करते हैं, क्योंकि ये सभी जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो पूरी तरीके से फॉर्मल तरीके से रिटन फॉर्म में रखे जाते हैं जो पूरी तरीके से किसी भी संगठन की जवाबदेही को तय करते हैं। तो ये थे दोस्तों 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो आई होप आपको मैक्स वेबर्स थ्योरी आसान भाषा में समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।